हेलो बेटा, नेक्स्ट जो वेक्टर चैप्टर के अंदर हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे वो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बड़े ध्यान से समझना। आपको क्वेश्चन की फॉर्म में मैं समझाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिले इस कॉन्सेप्ट की। जैसे आपको ऐसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, वेयर ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप माइनस 1j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, तो इस तरह से आपको एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो, आपने क्या करना है, आपने एक यूनिट वेक्टर निकालना है। अभी आपको मालूम है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर हम उस वेक्टर को बोलते हैं जिसका मैग्नीट्यूड बेटा 1 होता है। अभी उसने बोला है कि आपने जो यूनिट वेक्टर निकालना है उसका डायरेक्शन किसकी तरफ होना चाहिए, जिस तरफ ए वेक्टर का डायरेक्शन है। ठीक है, उस डायरेक्शन में हमने एक यूनिट वेक्टर निकालना है। ओके बच्चे, तो अभी ऐसा मतलब इसका फॉर्मूला क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बेटा, आपने किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने जो आपने यूनिट वेक्टर निकालना है ना, आपने उसका सबसे पहले नाम कंसिडर करना है। तो मैं वो कंसिडर करके चलता हूँ, एन कैप। तो मैं मानता हूँ, मैं लेट करता हूँ कि लेट एन कैप बी आ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि एन कैप एक वेक्टर है, मतलब यूनिट वेक्टर है, जिसका डायरेक्शन ए वेक्टर की तरफ है। तो बेटा, जो एन कैप रहेगा उसकी वैल्यू किसके इक्वल होएगी, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो ये बेटा एन कैप को इवेल्यूएट करने का फॉर्मूला है। ठीक है, तो आपने जब कभी भी आपको आपसे डिमांड किया जाए कि आपने एक यूनिट वेक्टर निकालना है जिसका डायरेक्शन मतलब उस पर्टिकुलर वेक्टर की तरफ हो, तो आपने क्या करना है, वो जिसकी तरफ उसने डायरेक्शन डिमांड किया है ना, जिस वेक्टर की तरफ, उस वेक्टर को उसके ही मैग्नीट्यूड के साथ आपने डिवाइड कर देना है। तो वो आपके पास जो रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर होगा वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो, वेक्टर तो है मेरे पास ए वेक्टर, वो भी कंपोनेंट फॉर्म में। तो अभी मेरे को निकालना क्या पड़ेगा, तो यहाँ पे बेटा मेरे को निकालना पड़ेगा अपना, क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालने का जो वे है वो आपको मालूम है। ठीक है, तो करना क्या होता है, सबसे पहले आपने लेना होता है अंडर रूट। तो इसके अंदर क्या आएगा, जो आई कैप है उसका जो कॉफिशेंट है उसका स्केयर, देन प्लस जो जे कैप है उसका जो कॉफिशेंट है उसका स्केयर, देन जो के कैप है उसका जो कॉफिशेंट है उसका स्केयर। तो ये बेटा मेरे पास आ जाएगा 4 + 1 + 16। तो ये बेटा मेरे पास सॉल्व करके आ जाएगा अंडर रूट 21। ठीक है, तो अभी क्या करना है कि ये मेरे पास जो ए वेक्टर है और ये मेरे पास जो उसका मैग्नीट्यूड है, इसकी वैल्यू मैंने इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो मेरे पास एन कैप क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा बेटा 2i कैप -1j कैप +4k कैप अपॉन, नीचे आ जाएगा अंडर रूट 21। तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि ये वाला जो अंडर रूट 21 है इसको बेटा मैं हर एक न्यूमेरिक वैल्यू के नीचे लगा देता हूँ। यहाँ पे साथ में आई कैप भी आएगा, ये आ जाएगा 4 upon अंडर रूट 21 into k कैप। तो ये मेरे पास आ जाएगा बेटा एन कैप। तो ये है मेरा रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर। ठीक है, अगर आप चाहो तो आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देख सकते हो। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आपको वैल्यू 1 मिलेगी, और इसका जो डायरेक्शन रहेगा वो किसकी तरफ होएगा, जिस तरफ बेटा ए वेक्टर का डायरेक्शन है। तो ये फॉर्मूला है, ये मेथड है, आप प्लीज़ इसको अपने माइंड में रखना। ओके बच्चे, इसी तरह से इसका एक छोटा सा एक क्रॉलरी पार्ट है, मतलब मैं इसको ही एक्सटेंड करता हूँ क्वेश्चन की फॉर्म में। तो वो मैं कंप्लीट तो नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको गाइड करूँगा कि आपने कैसे करना है। ठीक है, जैसे मान लो कि आपसे ना क्वेश्चन डिमांड किया जाए, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 इन द
डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू, जैसे सिमिलरली ये ले लेता हूँ मैं, थोड़ा चेंज कर लेते हैं, चलो इस बार 5 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 3 k कैप, ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन है, इसमें एक मैंने क्या करना है, यहाँ पे बेटा मैंने वेक्टर निकालना है, ऊपर जो मैंने निकाला है वहाँ पे मैंने यूनिट वेक्टर निकाला है, लेकिन नीचे जो उसने डिमांड किया है वो यूनिट वेक्टर नहीं डिमांड किया, नीचे उसने बेटा वेक्टर डिमांड किया है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, एंड उसका जो डायरेक्शन है वो किसकी तरफ होना चाहिए, वो जिधर बेटा ए वेक्टर का डायरेक्शन है उस तरफ में हमारे रिक्वायर्ड वेक्टर का डायरेक्शन होना चाहिए। तो अभी बेटा क्या करना है कि जब कभी भी आपने इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप बेटा सीधा वेक्टर नहीं निकाल सकते, सबसे पहले आपको यूनिट वेक्टर निकालना आएगा। कहने का मतलब है कि जितना पार्ट आपने ऊपर किया है ना वो पार्ट आपको नीचे करना ही होएगा, ठीक है। तो जब कभी भी आपको वो वेक्टर डिमांड करेगा तो आप वेक्टर को डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, पहले आपने निकालना, आप निकालोगे यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो मैं शुरुआत करता हूँ क्वेश्चन की, तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, मैंने यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यहाँ पे मैं सपोज करता हूँ कि लेट एन कैप बी अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो बेटा यूनिट वेक्टर निकालने का मेथड तो आपको पता है, तो एन कैप की वैल्यू किसकी तरफ, किसके इक्वल आएगी, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो अभी यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ए वेक्टर की वैल्यू बेटा 5 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 3 k कैप, और नीचे आएगा बेटा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो वो आ जाएगा 25 जमा 4 जमा 9। तो ये मेरे पास बेटा आ जाएगा सिंपली 5 i कैप 2 j कैप माइनस 3 k कैप, और जो मेरे पास नीचे आएगा ये बेटा बन जाएगा √38, ठीक है। तो अभी √38 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, आपको इसके फैक्टर बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको ऐसे भी रख सकते हो। तो आप चाहो तो आप इसको, जो आपके पास यहाँ पे 3 न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, आप उनके नीचे भी इसको लगा सकते हो, 5 अपॉन √38 i कैप प्लस 2 अपॉन √38 j कैप माइनस 3 अपॉन √38 k कैप। तो ये बेटा मेरे पास आ गया यूनिट वेक्टर, लेकिन मेरे को तो चाहिए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 5। तो वो मैं कैसे निकालूंगा, अभी आपने लिखना है यहाँ पे वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो उसका फॉर्मूला क्या है कि जितना भी मैग्नीट्यूड उसने डिमांड किया हो, जैसे यहाँ पे उसने 5 मैग्नीट्यूड डिमांड किया है, तो आपने लिखना है 5, और जो आपने ऊपर एन कैप निकाला है ना, आपने 5 को एन कैप के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अभी एन कैप की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो मेरे पास है 5, तो बाहर आएगा ये आ जाएगा 5 अपॉन √38 i कैप प्लस 2 अपॉन √38 j कैप माइनस 3 अपॉन √38 k कैप। तो ये बेटा मेरे पास एन कैप की वैल्यू है। अभी मैंने क्या करना है, ये वाला जो 5 है ना इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो ये ऊपर वाले जो टर्म्स प्रेजेंट है ना उनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये मेरे पास बन जाएगा 25 अपॉन √38 i कैप प्लस 10 अपॉन √38 j कैप माइनस 15 अपॉन √38 k कैप। तो ये बेटा मेरा वेक्टर रहेगा जिसका मैग्नीट्यूड कितना होएगा, 5। अगर आपने इस चीज़ को वेरीफाई करना है ना तो आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देख सकते हो, ठीक है ना, आपको मेथड पता है मैग्नीट्यूड निकालने का। तो जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 5, और दूसरा जो इसका डायरेक्शन रहेगा वो किसकी तरफ रहेगा बेटा, ए वेक्टर की तरफ रहेगा। ओके बेटा, तो इस तरह से इन दोनों क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है, तो प्लीज़ इनको माइंड में रखना, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं, कभी भी आपको आ सकते हैं एग्ज़ाम में। ओके बच्चे।